सबका फिर से अभिनंदन है संगीत की पाठशाला के लेसन तीन में। पुनः मैं कौशलेश पाठक आपका अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने स्वर, थाट, सप्तक, तीन ताल और पहले अलंकार के बारे में बताया था। पहले अलंकार का और भी तीन रूप मैंने बताए थे। आज के इस वीडियो में मैं कुछ और अलंकार के बारे में बताऊंगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये अलंकार तो हमने कर लिया, अब क्या जरूरत है। अगर कोई खिलाड़ी ऐसे ही बोले तो मैं तो दौड़ चुका हूं, दौड़ना आता है मुझे, रोज क्यों करूं। तो सभी संगीत प्रेमियों से मैं बोलूंगा, ये ऐसे ही है जैसे खिलाड़ियों के लिए एक्सरसाइज होती है, वैसे ये हमारे लिए गले की वर्जिश है, गले की तैयारी के लिए है। हर किसी को, चाहे वो कितना ही ऊंचा चला जाए, उसे भी जरूरत है इसे प्रतिदिन करने की। हर अलंकार को, चाहे वो आधा घंटे करे, 20 मिनट करे, कम से कम 15 मिनट करे, गले की तैयारी के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। अगले अलंकार के बारे में बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि संगीत सीखने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की, वाद्य यंत्रों की आप सबको जरूरत पड़ेगी। कम से कम सबसे पहले हारमोनियम चाहिए। उसके बाद आजकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, तानपुरा और तबला। जब मैंने सीखना शुरू किया था तो ये चीजें बाजार में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज है और इनका रख रखाव बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अभी तानपुरा बजाए आप देख सकते हैं, रागिनी डिजिटल। इसी तरीके से इसी में इंक्लूड करके संगत डिजिटल के नाम से उसमें तबला भी है, तानपुरा भी है, रेडल कंपनी का भी मिलान के नाम से आता है। तो ये सेकेंडरी है, पहले हारमोनियम, फिर बाद में संगत डिजिटल या रेडल मिलान, इनकी जरूरत पड़ेगी। इतना काफी है शुरुआत। इसके बाद तीन ताल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जिसकी 16 मात्राएं होती हैं, चार चार मात्राओं के चार विभाग होते हैं। तो कुछ अलंकार हम 16 मात्राओं में करते हैं, कुछ अलंकार जो तीन मात्राओं के मल्टीपल में होता है, जैसे उसका ताल है दादरा, अभी आज दादरा में बता रहा हूँ। धा धिन्ना धा तुन्ना धा धिन्ना धा तुन्ना धा धिन्ना धा तुन्ना। अब इस पे चलने वाले
जो तीन के मल्टीपल में आएंगे वो अलंकार गाएंगे। बहुत ही लोकप्रिय अलंकार है, हालांकि तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए जिक्र प्रारंभ हो गया तो मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ। स्विच करने में मतलब रागों को बदलने में कितना अहम योगदान हो सकता है। तो ये जो अलंकार है सारे रे अगर मैं इसको दादरा में गाना चाहूँ तो क्या करूँगा, अगले रे को दो मात्रा करूँ सारे रे सारे रे रे सारे 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 रे Bye.
अहंकार को आकार में करने का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, इस बात को जरूर नोट करें। और इसकी जब स्पीड बढ़ेगी और गले में आने लगेगा तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये हो गया तो हर तरफ की ताने आपके गले से आएंगे। उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। संगीत सुनने की चीज है, देखने की नहीं, सुनकर देखने की चीज। हमारे गुरुजी बोलते थे, कान से देखना सीखो, कान से देखना सीखो, मतलब कान से सुन के चेक करते हैं, चेक करना ही देखना होता है। तीसरा अलंकार सारे अगर ये चार के मल्टीपल में गा रहे हैं तो ऐसे गाएंगे सारे ग, लास्ट की तीसरी मात्रा चौथी मात्रा तक एक्सटेंड हो रही है। लेकिन अगर तीन के मल्टीपल में गाना है तो इसको सारे गे गम 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 पद पद नि धनि सनि धनि ध प ध प म प म ग म ग नि धनि स। फिर एक मात्रा और ऐड होगा, तीसरा अलंकार ये है, चौथा सारे गम गर सारे न सॉरी सारे गम रे गम प ग म उसका भी जिक्र करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, तीसरे का सेकंड पार्ट भी हो सकता है। सारे ग रे ग म ये था, उसको वहीं से वापस जाते हैं। सारे ग रे सा रे ग म ग रे क्या था, सारे ग रे ग म ग म प, हम ग तक जाते हैं फिर वापस आते हैं, फिर रे ग म करके रे तक वापस आते हैं, ये उसका सेकंड पार्ट है। सारे ग रे सारे ग म ग रे ग म ग म प म ग म प ध प म प ध नि ध प ध नि स नि ध नि सा रे सा नि सा रे ग रे सा सा नि ध नि सा नि ध प ध नि ध प म प ध प म ग म प म ग रे ग म वैसे ही चौथे अलंकार का दूसरा पार्ट क्या है, चौथा अलंकार है सारे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि म ध नि सा सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट सारे ग म ग रे सा रे ग म ग म ग रे ग म प ध प म ग म प ध नि ध प म प ध नि सा नि ध प ध नि सा रे सा नि ध नि
आमतौर पे क्लासिकल म्यूजिक गाने के लिए इतने ही रेंज की आवश्यकता होती है, यानी मंद शतक में पर तक और दार शतक में म तक। अगर ये अलंकार आपने कर लिया तो क्लासिकल म्यूजिक गाने कोई कठिनाई नहीं होगी। सारे दम गे सारे दम पम गे दम पध पम दम पध नि ध पम पध नि सनि ध पध नि सारे सनि ध नि सारे गे सनि सारे दम गे सनि ध पध नि सनि ध पम पध नि ध पम ग आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और अलंकार और रागों के नियम के बारे में बताएंगे। तब तक पिछले तीनों वीडियोस इसको मिला करके आप बार बार देखिए, सुनिए, समझिए और कहीं भी कोई परेशानी है, कोई व्यवधान है, कोई डाउट्स है तो मुझसे जरूर पूछिए। संगीत का आनंद लीजिए, अभ्यास कीजिए, सुनिए, सुनाइए, औरों को प्रेरित कीजिए हमारे शास्त्रीय संगीत को और लोगों में प्रचार और प्रसार कीजिए।